Hello students, how are you? I think you all are fine. Okay. जैसे कि देख रहे हैं जो डिजीज है कोरोना वायरस कितनी ज़्यादा अमाउंट में स्प्रेड हो चुकी है. आज वही 850 के अराउंड केसेस हो गया. तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ घर पे रहिए. और आप लोग जितना घर पे रहेंगे एक्चुअली क्या है ये उतना स्प्रेड नहीं हो पाएगी. तो जितना कम ये स्प्रेड होगी उतनी जल्दी ये इराडिकेट इससे निपटारा पा सकते हैं. तो बस आपसे इतनी कहना है कि आप सब इसको ख़त्म करने के लिए एक ही चीज़ कर सकते हैं कि आप घर पे रहिए. मुझे पता है अच्छा नहीं लगता, हम भी यहाँ पे रहते हैं, रहना अच्छा नहीं लगता किसी को, एज अ बर्डन फील होता है. बट अगर इसको ख़त्म करना है तो हमको ये करना ही पड़ेगा, अदरवाइज बहुत बड़े अमाउंट में लॉस होगा. जैसे आप देख भी रहे कि अदर कंट्रीज में, फॉर एग्जांपल इटली, स्पेन, अमेरिका, वहाँ पे कितने ज़्यादा लाइफ का लॉस हो चुका है. अगर जाते हैं ये भी इंडिया पे ना हो तो आपको ये करने पड़ेगा और हम सब एक साथ हैं. तो ठीक है, हम क्लास स्टार्ट करते हैं. आज की क्लास का टॉपिक है रियल नंबर्स. रियल नंबर से स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले रियल नंबर स्टार्ट करने के लिए हमें यह समझना होगा कि एक्चुअली में नंबर होते क्या हैं, नंबर कितने टाइप के होते हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम जैसे सीखते आए हैं बेसिक. जैसे छोटे में कहते थे आप गिनती सुनाओ, तुम गिनती किससे स्टार्ट करते थे? 1 2 3 4 ऑफकोर्स. तो ऐसे करके नंबर की अलग अलग कैटेगरीज हैं, हम उसे देखेंगे क्या है. सबसे पहले नंबर अपना आएगा नेचुरल नंबर. तो सबसे पहले होगा कि नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो हम छोटे में गिनती सीखते आए थे, ऐसे टीचर पूछते थे कि गिनती स्टार्ट करो, तो हम कहाँ से स्टार्ट करते थे, 1 2 3 4 करके जो स्टार्ट करते थे वही सारे हमारे हैं नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर क्या हो गए, दोज नंबर, ऐसे नंबर जो स्टार्ट कहाँ से हो रहे, 1 से. 1 2 3 4 ये सारे क्या आ रहे हैं, नेचुरल नंबर्स हो गए हमारे. उसके बाद जो नंबर आता है होल नंबर. होल नंबर मतलब क्या हुआ, आपके जितने नेचुरल नंबर्स हैं इनको तो इसमें इंक्लूड कर लो और उसके साथ में एक टर्म और आएगा, एक नंबर और आएगा जिसका नाम क्या है, जीरो. जब नंबर को जीरो से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये किस में आ जाएंगे, होल नंबर में. डिफरेंस क्या है दोनों में, नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है और होल नंबर है, ये सारे नेचुरल नंबर तो हैं तो साथ में जीरो भी ऐड हो रहा है. तो होल नंबर का मतलब क्या हुआ, ऑल नेचुरल नंबर प्लस जीरो, जीरो भी आएगा. ओके, इसके बाद आता है इंटीजर, यहाँ पे लिख देते हैं. इसके बाद थर्ड आएगा इंटीजर्स. तो इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे नंबर लाइन लिखा होगा, अब हम यहाँ पे जीरो से सो ऑन, मतलब जीरो से लेके इन्फिनिटी तक पहुँच गए. उसके बाद नेगेटिव टर्म में आएंगे, नेगेटिव -1 -2 -3 वो सारे किसमें हो जाते हैं, इंटीजर्स. तो इंटीजर्स में क्या क्या आएंगे, जीरो इधर, जीरो के राइट साइड पॉजिटिव नंबर, 1 2 3 4 एंड सो ऑन. और जीरो के लेफ्ट में -1 -2 -3 एंड सो ऑन. ये सारे हमारे हो गए इंटीजर. इंटीजर के भी दो टाइप हो गए, जैसे ये सारे नंबर जो जीरो के राइट साइड पे हैं, जीरो के राइट साइड पे हैं, ये कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर. इन्हें क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर. और जो जीरो के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव है, -1 -2 -3 जितने भी ये नेगेटिव में है, तो इससे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स. ओके, अब एक तो बात हो गई कि जीरो के राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर, जीरो के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर. जीरो क्या हुआ, जीरो को क्या कहेंगे, कि जीरो पॉजिटिव इंटीजर है या जीरो नेगेटिव इंटीजर है. जीरो के लिए एक स्पेशल टर्म है, जीरो को हम क्या कहेंगे, ना तो ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है, ये कैसा है, न्यूट्रल है. जीरो कैसा है, न्यूट्रल नंबर है, न्यूट्रल है. न्यूट्रल मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, या पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ ना हो, ठीक है.
जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर में आता है ना नेगेटिव में, जीरो कैसे आता है, न्यूट्रल नंबर में आता है। अभी तक हमने तीन कैटेगरी पढ़ी, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर आ गए, ठीक है। उसके बाद एक फोर्थ कैटेगरी पढ़ेंगे, इसको यहीं पे लिखा रहने देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं फोर्थ टाइप जो है वो आता है अपना रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, ओके। रैशनल नंबर में क्या होता है, रैशनल का मतलब क्या होता है, वर्ड जो आ रहा है रैशनल, रैशनल वर्ड का मतलब होता है रेशियो, रेशियो, या रेशियो देखा 5:7, बस मैं रेशियो पे लिखता हूँ, किसी भी चीज को लिखता हूँ 5:7। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ कैसे लिख दूँ, 5.7 ऐसे लिख सकता हूँ। रैशनल नंबर की भी यही कैटेगरी होती है। रैशनल नंबर मतलब क्या होता है, ऐसे नंबर, अ नंबर जो किस फॉर्म में हो, पी अपॉन क्यू, और क्यू क्या हो, नॉट इक्वल टू जीरो। पी अपॉन क्यू मतलब क्या हुआ, जनरली रेशियो हो गया ना, फ्रैक्शन में हो रहा है तो ये रेशियो हो गया, पी अपॉन क्यू फॉर्म में होगा, क्यू जीरो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने कहा 6/5, तो ये नंबर किस फॉर्म में है, पी जो टर्म में ये 6 हो गया, क्यू टर्म है 5, जो इसका डेनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं है 5 है, तो क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। सेकंड उसके बाद मैं लिख देता हूँ 11/3, ये भी हो गया, -5/7 कैसे हो गया, ये भी रैशनल नंबर पे हो गया। मैं अगर लिख देता हूँ 6, आगे लिख रहा हूँ 11, ये बताओ रैशनल नंबर होंगे या नहीं होंगे, ऑफकोर्स ये रैशनल नंबर होंगे, क्योंकि क्या है 6 है, इसके नीचे मैं अपॉन 1 भी तो कर सकता हूँ, तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया ये भी। 11 को क्या लिख सकता हूँ, 11/1, ये सारे कैसे हो गए, रैशनल नंबर हो गए, रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के एक अपोजिट एक और नंबर होता है जिससे हम क्या कहते हैं, इरैशनल नंबर। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये यहाँ पर टर्म डाल देता हूँ, ये फर्स्ट हो गया नेचुरल, सेकंड होल नंबर, थर्ड इंटीजर, फोर्थ रैशनल नंबर, फिफ्थ आएगा इरैशनल नंबर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो रैशनल ना हो, जो नंबर क्या है रैशनल ना हो, वो सारे कैसे हो जाते हैं, इरैशनल नंबर्स में आ जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख दूँ, इरैशनल नंबर भी क्या होते हैं, हमारे पी अपॉन क्यू फॉर्म में होते हैं, पी अपॉन क्यू फॉर्म में होता है, क्यू जो होता है जीरो नहीं होना चाहिए दोनों में, और क्या होना चाहिए, दोनों पी एंड क्यू, बोथ पी एंड क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर। तो और इसके एग्जांपल मैं बता दूँ, अंडर रूट, जैसे रूट टू कह देता हूँ, रूट टू अपॉन 1 कह दिया, तो ये पी अपॉन क्यू फॉर्म में है, क्यू जीरो नहीं है। अब मेरे को ये बताओ 1 कैसा नंबर है, 1 मैंने यहाँ लिखा था, 1 कैसा, नेचुरल है, ओके। और रूट टू हमारा, रूट टू रियल नंबर है, रूट टू हमारा रियल नंबर है, रूट टू रियल नंबर नहीं है, तो कैसा नंबर हो गया, इरैशनल नंबर हो गया, रैशनल नंबर हो गया। जितने भी नंबर हमारे अंडर रूट, रूट या क्यूब रूट पे आएंगे वो सारे हो जाएंगे इरैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख दूँ, क्यूब रूट 5/6, ये भी कैसा हो गया, इरैशनल नंबर हो गया, क्यूब रूट आ गया। ऐसे नंबर जो हमें, जो नंबर लाइन हम बनाते हैं, जो हमें नंबर लाइन पे नंबर मिलते हैं, वो सारे कौन से नंबर होते हैं, हमें रियल नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये भी आ गया उसमें। अब इसके लिए मैं अगर चार्ट बनाना चाहूँ, इन सब नंबर का मिला के एक चार्ट बनाओ, कैसा बना सकता हूँ, इसके लिए क्या करता हूँ, सबसे पहले जो हमारे नंबर होते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नंबर, NUMBER, नंबर, जो नंबर्स होते हैं उनकी दो कैटेगरी होती है मेन, पहली कौन सी होगी, दूसरी कौन सी। पहली कैटेगरी में आ गया हमारे सारे कौन से नंबर, रियल नंबर आ गया,
पहली कैटेगरी में कौन से आ गए? रियल नंबर। रियल नंबर मैंने बताया, रियल नंबर कौन से? सारे नंबर जिसका हम यूज करते हैं नंबर लाइन, सारे हो गए हमारे रियल नंबर। दूसरे कौन से आ गए? इमेजिनरी नंबर्स हो गए। और इमेजिनरी नंबर्स में कौन से हो गए? ओके बता देता हूँ इसके एग्जांपल। इमेजिनरी नंबर के एग्जांपल कौन से हो गए? एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ, रूट के अंदर माइनस, जब भी रूट के अंदर माइनस की वैल्यू आएगी, माइनस कुछ भी, माइनस सेवन, रूट के अंदर माइनस एट, ये सारे कैसे हो जाएंगे? इमेजिनरी नंबर। ये आप क्लास 11 में पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर क्या होता है, छोड़ देना। रियल नंबर्स में अभी हम बात कर रहे हैं, चैप्टर का नाम भी हमारा है रियल नंबर। तो रियल नंबर के कॉन्सेप्ट में बात करेंगे, तो रियल नंबर्स के आगे क्या आ गया हमारे, इसमें बात करें, ठीक है? इसके अंदर दो कैटेगरी होगी हमारे, पहले कौन सा हो गया? रैशनल नंबर। दूसरा इसके अंदर आ गया इरैशनल नंबर। दो नंबर हो गया, रैशनल एंड इरैशनल। जो रैशनल नंबर है, ओके, रैशनल नंबर के अंदर भी कैटेगरी बनेगी। सबसे पहले हमने बेसिक्स क्या कौन सा स्टार्ट किया था? नेचुरल नंबर करके, नेचुरल नंबर। तो रैशनल नंबर के अंदर भी आ गए, तो नेचुरल नंबर में सारे कौन से होते हैं हमारे? इंटीजर्स होते हैं। अभी इंटीजर बढ़ाया था, यहाँ पे लिख लेते हैं इंटीजर्स के अंदर सारे इंटीजर आ गए। इंटीजर कौन कौन से नंबर होते हैं ये बताया था? जो हमारी नंबर लाइन होती है जीरो से स्टार्ट करके, राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव इंटीजर, बीच में जीरो कैसा होता है? न्यूट्रल नंबर। तो ये हटा दो इंटीजर। तो इंटीजर के अंदर कौन कौन से नंबर आ गए? इंटीजर की अगर नंबर लाइन की बात करें, तो इंटीजर कैसे बन रहे हैं? ये नंबर लाइन है, ये जीरो है, वन टू थ्री, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री। अगर मैं इसको इंटीजर बताऊँ कौन कौन से इसमें से इंटीजर हैं, सारे इंटीजर हैं ऑफकोर्स। ये कैसे हैं? पॉजिटिव इंटीजर ये है, नेगेटिव इंटीजर जीरो है, न्यूट्रल इंटीजर, तो सारे इंटीजर आ गया। तो मतलब रियल नंबर की अगर हम बात करेंगे, रियल नंबर में कौन कौन से नंबर होंगे? सारे इंटीजर, मतलब जितने नंबर हम पढ़ते आए हैं वो ऐड हो गए, वो सारे कैसे होते हैं? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हमारे पी अपॉन क्यू फॉर्मेट में होंगे, जहाँ पे क्यू क्या होगा? जीरो नहीं होगा। सारे रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। तो इस चार्ट से हम एक डेफिनेशन रियल नंबर की बना सकते हैं, ऑफकोर्स बना सकते हैं। अभी क्वेश्चन है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर की डेफिनेशन है कि रियल नंबर क्या होते हैं। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं? सारे रैशनल नंबर और सारे इरैशनल नंबर, सारे रैशनल नंबर और सारे इरैशनल नंबर को सम कर दें, जोड़ दें, तो क्या हो जाता है? हमारे रियल नंबर बन जाते हैं। यहाँ से डेफिनेशन लिख लेना, रियल नंबर क्या होते हैं? ऑल ऑल रैशनल numbers as well as rational numbers, all rational numbers as well as irrational numbers, सारे rational और irrational numbers, ये क्या हो जाते हैं? real number। ये सब हमारे कौन से आते हैं? real number। यहाँ तक clear है सबको? ओके, होल नंबर उससे बेच कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है वो मैं लिखूंगा, आप बताना करेक्ट है कि नहीं। तो डेफिनेशन बताइए, इसी डेफिनेशन पे बेस्ड है कुछ क्वेश्चन। तो उसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, जैसे लिख देगा एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर वन, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, इज अ होल नंबर। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, ये ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं, आइदर ये ट्रू है और फॉल्स। सेकेंड क्वेश्चन आ रहा है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, यहाँ पे लिख देता हूँ, एवरी इंटीजर इज अ
होल नंबर, उसमें भी ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड आ रहा है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, ट्रू और फॉल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर आ रहा है, every whole number is a rational number, every whole number is a rational number। question 5 है, every integer is a rational number, every integer is a rational number, rational, इसमें भी true और false बताना है। इसके बाद एक question और है, every rational number is an integer। question number 6, every irrational number is an integer, rational number is an integer। ये सारे क्वेश्चन जो है, 6 क्वेश्चन है, इसमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। ये सब किस पे बेस है, जो अभी नंबर सिस्टम आपको बेसिक डेफिनेशन बताई उससे बेस है। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, सबसे पहले ये बताइए, यहाँ पे दो आ रहे टर्म, पहला कह रहा है नेचुरल नंबर, दूसरा आ रहा होल नंबर। नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, जो स्टार्ट किससे होता है, 1 से। यहाँ पर लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये सारे कैसे हो गए नेचुरल। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, था 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। क्वेश्चन क्या रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्वेश्चन कह रहा है सारे सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट है, 1 से। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट है, 0 से। क्वेश्चन कह रहा है, क्या जितने नेचुरल नंबर हैं, मतलब 1 से जो नंबर स्टार्ट है, 1 के आगे, वो सारे होल नंबर हैं। देख के बताओ, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर दिख रहे हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट है, होल नंबर 0 से, बिल्कुल है। सारे जो नेचुरल नंबर हैं 1 से स्टार्ट हैं, वो होल नंबर है कि नहीं है, ऑफ कोर्स है। ये क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया। रीज़न बता दिया ना इसकी, क्यों होंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो सारे जो नंबर नेचुरल नंबर ये होल नंबर फिट हो जाएंगे, बिल्कुल फिट हो जाएंगे। बचेगा कौन सा नंबर, 0 बचेगा, उसके आगे तो सारे नेचुरल नंबर हैं, तो कैसा हो गया, ट्रू हो गया। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो इंटीजर क्या होते हैं, पहले यहाँ पर टर्म में अंडरलाइन कर लो, एक इंटीजर आ रहा, एक कैसा आ रहा, होल नंबर आ रहा। इंटीजर हमारे किससे होते हैं, 0, 1, 2, 3 और नेगेटिव में -1, -2, ये सारे कैसे हो रहे हैं, इंटीजर हो रहे हैं। और होल नंबर, होल नंबर बताया था 0 से स्टार्ट, कह रहा है जितने भी इंटीजर होते हैं वो सारे होल नंबर होते हैं। सोच के बताओ, जितने भी इंटीजर हैं, इंटीजर कहाँ से आ रहे हैं, माइनस नेगेटिव भी आ रहे हैं, पॉजिटिव भी आ रहे हैं, 0 भी आ रहे हैं, क्या ये सारे नंबर होल नंबर में फिट हो जाएंगे। अगर होल नंबर की जो कैटेगरी है उसके अंदर रखा जाए, ये कैटेगरी इंटीजर की कैटेगरी फिट हो पाएगी, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। तो ये कैसा स्टेटमेंट हो गया, फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स होता है, रीज़न बताएं, होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, इंटीजर कहाँ से आ रहे, 0 के आगे तो जा रहे हैं और नेगेटिव में भी जा रहे हैं, तो सारे इंटीजर होल नंबर कभी हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या ना सारे जो रैशनल नंबर हैं वो कैसे एक होल नंबर है। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो फ्रैक्शन है, मतलब रेशियो में होते हैं। रैशनल नंबर एक आ गया, एक होल नंबर आ गया, उसे बताना कि सारे जो फ्रैक्शन वाले पी अपॉन क्यू फॉर्म में जो नंबर है, रैशनल नंबर है, इज अ होल नंबर, वो सारे होल नंबर है। होल नंबर तो हमारे स्टार्ट हो गए 0, 1, 2 एंड सो ऑन। रैशनल नंबर कुछ भी मैंने कर दिया, 1/2, 5/2, 7/2, ठीक है, और नेगेटिव में भी जाएंगे, -5/11, -11/2। तो कह रहा सारे जो रैशनल नंबर है वो सारे होल नंबर में आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, ठीक है। सारे एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, होल नंबर हमारे 164 करके आ गए, रैशनल नंबर नेगेटिव में आ गए, तो बिल्कुल कैसा, क्यों नहीं आया, क्योंकि होल नंबर की बात कर रहा हूँ। होल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 0 से हो रही है,
रैशनल नंबर की बात करें, रैशनल नंबर कैसे हो जाएंगे हमारे, नेगेटिव टर्म में भी आएंगे, तो ये हमारा कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। के बाद आ रहा क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा, एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, सारे जो होल नंबर हैं, सारे होल नंबर वो रैशनल नंबर होंगे। देखते हैं, एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वही जो रेशियो होता है फ्रैक्शन में, ये कौन क्यों कर लिया। होल नंबर कैसे हो रहे हैं हमारे, जीरो वन टू एंड फोर, ये सारे जो नंबर आ रहे थे वो सारे रैशनल नंबर होंगे, सारे होल नंबर जितने भी हमारे होल नंबर हैं रैशनल नंबर होंगे, बिल्कुल होंगे। कोई भी होल नंबर बताओ, जैसे मान लो होल नंबर मैंने ले लिया फाइव, फाइव एक होल नंबर है, बिल्कुल है। फाइव अपॉन वन कर सकते हैं, फाइव अपॉन वन मतलब रेशियो में आए, मतलब ये रैशनल नंबर हुआ, बिल्कुल हुआ। सेकंड एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ वन टू टू फाइव, ये भी कैसा है हमारा होल नंबर है, इसके नीचे मैंने अपॉन वन कर दिया, पी अपॉन क्यू फॉर्म में आ गए। पी अपॉन क्यू फॉर्म का मतलब क्या है, रैशनल नंबर हो गया। क्वेश्चन था कि सारे होल नंबर रैशनल नंबर होंगे, बिल्कुल होंगे। स्टेटमेंट कैसा हो गया, ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्वेश्चन कह रहा है जितने भी हमारे इंटीजर हैं वो कैसे हैं, रैशनल नंबर हैं। रैशनल नंबर फिर वही अपॉन क्यू, ठीक है। इंटीजर क्या आ रहे हैं हमारे, इंटीजर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, माइनस में भी आ रहे हैं, जीरो भी आ रहा, पॉजिटिव भी आ रहे हैं। सारे इंटीजर कैसे होंगे, रैशनल नंबर होंगे। इंटीजर की सारे इंटीजर जितने भी हमारे पास इंटीजर हैं वो रैशनल नंबर होंगे कि नहीं होंगे, ये बताइएगा। इंटीजर नेगेटिव भी आ रहे हैं, रैशनल नंबर भी हमारे नेगेटिव हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। जीरो आ रहा, अच्छा जीरो की बात करें, जीरो रैशनल नंबर की बात करते हैं, जीरो एक रैशनल नंबर होता है कि नहीं होता, ये बताना। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया जीरो, क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन यहाँ बताना, इज जीरो अ रैशनल नंबर। ये क्वेश्चन का आंसर पहले बताइएगा, जो जीरो होता है वो एक रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, ये जीरो लिखा मैंने, इसके अपॉन में क्या कर दिया, किस फॉर्म में आ गया, पी अपॉन क्यू। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था, जो डेनोमिनेटर होना चाहिए नीचे वाला नंबर वो जीरो नहीं हो सकता, बट जो न्यूमरेटर है ऊपर वाला नंबर वो जीरो हो सकता है, इसलिए ये कैसा होगा, ये भी एक रैशनल नंबर होगा। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन कह रहा कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, मतलब जो सारे इंटीजर होते हैं रैशनल नंबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कोई भी इंटीजर की बात करें, कोई भी इंटीजर ले लिया, नेगेटिव में मैंने ले लिया माइनस 52, ठीक है, ये एक इंटीजर है, क्या ये रैशनल नंबर बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। इसके नीचे क्या कर देंगे, अपॉन वन कर देंगे, तो कैसा हो जाएगा रैशनल नंबर। पॉजिटिव की बात यहाँ पे बताई थी, फाइव ले लिया, कैसा ले लिया, तो सारे इंटीजर जीरो जीरो यहाँ बता दिया, जीरो कैसा होगा, जीरो भी एक रैशनल नंबर होगा, इसलिए क्या होगा, अब इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। ये स्टेटमेंट कैसा होगा, बिल्कुल सही है। क्या सिक्स स्टेटमेंट आ रहे हैं, कह रहा है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। सिक्स क्वेश्चन में कह रहा है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, मतलब जो सारे रैशनल नंबर हैं, एक ही आ गया हमारा रैशनल नंबर, एक इंटीजर। रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स ऐसे नंबर जो किस में होंगे, रेशियो में होंगे, वो तो कैसे होंगे, इंटीजर होंगे। क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर होंगे, इंटीजर क्या होते हैं, माइनस फाइव माइनस टू फिर जीरो आएगा, वन 99 ऐसे करके, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, तो इंटीजर। क्या कह रहा है, सारे रैशनल नंबर, रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, पी अपॉन क्यू फॉर्म में, सारे रैशनल नंबर इंटीजर हो सकते हैं। स्टेटमेंट कैसा है, ये फॉल्स, गलत है, नहीं हो सकता, फॉल्स। ये बेसिक ये क्वेश्चन थे, बेसिक डेफिनेशन जो बताई थी उस पर बेस्ड थे। आई होप ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। क्या चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसके बाद ओके नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, इंसर्टिंग रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर्स। क्वेश्चन है यहाँ, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, इंसर्टिंग
rational number between two given numbers, writing a rational number between two given number. अरे इसका मतलब क्या हुआ? Inserting a rational number between two given number, मतलब दो नंबर दिए गए हैं, दो नंबर हमारे पास दिए गए हैं, उसके बीच में एक रैशनल नंबर को इंसर्ट करना, मतलब फाइंड करना. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो नंबर दे रखे हैं, पहला नंबर ले लेते हैं ए, दूसरा नंबर ले लेते हैं बी. ये दो नंबर हैं, तो उसके बीच के जो नंबर होंगे वो निकालना. एग्जाम्पल बता देता हूँ. फॉर जैसे हम क्या करते हैं, मैंने ले लिया 5 है, दूसरा नंबर है 10. 5 एंड 10 दो नंबर हैं, इसके बीच के हमें नंबर निकालने हैं. कैसे निकालने हैं, कैसे निकालते हैं हम? 5 के बाद जो 5 और 10 के बीच में नंबर आएंगे कहाँ कहाँ पे लाई करेंगे, वो 5 से बड़े होंगे, 5 से आगे होंगे, और 10 से कैसे होंगे, छोटे होंगे. 5 से तो बड़े होंगे और 10 से छोटे होंगे, वो नंबर क्या होंगे, इसके इसके इन दोनों के बीच में लाई करेंगे. कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, 6, 7, 8, 9, ये तो बेसिक निकाल लिए. ओके, अगर मैं इसमें ही क्वेश्चन पूछ दूँ, ये 5 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 6 है, अब ये इन दोनों नंबर के बीच के रैशनल नंबर हमें निकालने हैं. यहाँ पे तो आसान था, 5, 10 के बीच में आपने निकाल लिया, 6, 7, 8, 9 बता दे. अब मैं क्वेश्चन कह रहा हूँ कि 5 और 6 के बीच के नंबर निकालने हैं, तो ये कैसे फाइंड करेंगे? तो इसमें हम यही सीखेंगे, किसी भी दो नंबर के बीच के नंबर को कैसे फाइंड करते हैं. ओके, उसमें बेसिकली एक डेफिनेशन है, वो क्या कह रही है कि अगर कोई दो नंबर हैं, मान लो एक नंबर ए है और दूसरा नंबर बी है, हमारे पास दो नंबर दिए हैं, एक नंबर ए है, एक नंबर बी है, और हमें इसके बीच के नंबर निकालने हैं, तो कैसे निकालने हैं? एक बेसिक फॉर्मूला याद कर लेना, जो आपने पढ़ा होगा, एवरेज का भी फॉर्मूला होता है. कोई भी दो नंबर दिया है तो उसके बीच का एवरेज कैसे निकालते हैं? उन दोनों नंबर को ऐड कर देते हो, उससे क्या कर देते हो, उससे डिवाइड कर देते हो. हमें सिंपल यही इसमें भी करना है. अगर दो नंबर हमारे पास दिए हैं, उसके बीच का नंबर निकालना है, तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों को ऐड कर देंगे, और उसको क्या कर देंगे, क्योंकि ये दो नंबर इसे टू से डिवाइड कर देंगे. ऐसे करके हम इसके बीच के बहुत सारे नंबर इस फॉर्मूले से ए प्लस बी बाई टू से निकाल सकते हैं. इसी को हम क्या कहते थे, एवरेज भी कहते थे. ठीक है, मैं क्या एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ. ये एग्जांपल ले लें, जो मैंने अभी बताया था कि 5 और 6, एक नंबर है 5, एक है 6, इसके बीच के नंबर निकाल लें. चलो फॉर एग्जांपल इसके बीच के 3 नंबर निकाल लें, कितने, 3 नंबर निकाल लें. तो उसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिख देता हूँ, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 और 6. मतलब क्या हुआ, 5 और 6 के बीच में कितने, 3 रैशनल नंबर निकालने हैं. कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला बताया ना, जो भी दो नंबर देंगे पहले इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करें. एक नंबर है हमारे पास 5, दूसरा नंबर है 6, तो ऐसे नहीं लिखो, पहले हमें किसके बीच में निकालना है, 5 और 6 के बीच में निकालना है, तो ऐसे लिखेंगे 5 और 6. तो क्या करें, नंबर जो आएगा 5 और 6 के बीच में आएगा यहाँ से, तो पहले यहाँ रफ में कैसे करेंगे, 5 + 6/2 कितना आ गया, 11/2, उससे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 2 5 10 1 2 5 10 1.0 5.5. एक नंबर हमारे पास कितना आ गया, इसके इसके बीच में एक नंबर हमारे पास आ गया, कैसे लिख सकते हैं, 5 के बीच का एक नंबर कौन सा आ गया, 5.5 6. एक इसके बीच का नंबर एक आ गया, या फिर अगर इसको फ्रैक्शन में लिखना है, ये मैंने डेसिमल में लिखा, अगर इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, 5 के बीच का नंबर क्या आया, 11/2 और 6. ये दोनों सेम है, 11/2 कर दे या 5.5 कर दे, ठीक है, एक नंबर आ गया. इसके बीच में हमें कितने निकालने, 3 निकालने थे. अब जो दूसरा नंबर निकालेंगे वो कैसे निकालते हैं, हमारे पास ये नया नंबर ऑप्टेन हुआ, अब क्या करें, इन दोनों के बीच में निकाल दें. एक नंबर ले लेंगे 5, एक ले क्या ले लेंगे, 5.5 5 एंड
5.5, एक नंबर यहाँ से निकल जाएगा, ओके फ्रैक्शन से इसमें कैसे लिखेंगे, 5 एंड 11/2, तो या इधर मैं 11/2 कर रहा हूँ या 5.5, दोनों का मतलब सेम है, उसके बीच में नंबर कैसे निकलेंगे, कैसा हो गया डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ये दो नंबर हो गया, दो नंबर के बीच में कैसे निकाल देते, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते, तो मैं क्या कर रहा हूँ 5 and 11/2 है, पहले क्या करेंगे इनको ऐड करेंगे, 5 + 11/2 इनको ऐड करो, एलसीएम लेंगे 10 + 11 21/2, जो नंबर आया क्या आया 21/2, ये नंबर कैसा है ऐड करके आया, ऐड करने के बाद क्या करते थे 2 से डिवाइड भी तो करते थे, अब इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो कैसे हो जाएगा 21/2 / 2, कुछ नहीं होता तो 1 लिख के बाहर से बाहर का मल्टीप्लाई और अंदर से अंदर का, तो कैसा हो जाएगा 21/4, जो नंबर आया फ्रैक्शन के फॉर्म में 5 and 11/2, इसके बीच में कौन सा नंबर आ गया 21/4, कैसे लिखेंगे इसको 5 पहले था, अब जो नंबर आया 5 and 11/2 के बीच का आया, तो इन दोनों के बीच में उसको इंसर्ट करेंगे, क्या आया 21/4 कॉमा, फिर ये जो नंबर है 11/2 फिर कॉमा 6, तो 5 and 6 के बीच में अभी तक कितने नंबर आ गए, दो नंबर आ गए, इसी को डेसिमल में ही अगर करें तो कैसे इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा 421 है, 4 5 = 20, 1 4 2 = 8, 5, तो 5.25, अगर डेसिमल में लिखना है तो कैसे लिखेंगे 5 and 5.5 के बीच का जो नंबर आया कितना है 5.25, लिखेंगे कैसे, सबसे छोटा नंबर पहले आएगा 5, अब जो नंबर आया 5.25 किसके बीच का है 5 and 5.5 के बीच का, तो नंबर क्या आ गया 5.25, और जो थर्ड नंबर था 5.5, लास्ट नंबर 6, तो 5 and 6 के बीच में दो नंबर आ गए, अब थर्ड नंबर निकाल सकते हैं, थर्ड नंबर कैसे निकालेंगे, ये दो नंबर आ गए इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, ये दो नंबर हैं इनको जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, ये दो नंबर है कोई भी आप दो नंबर लेके उसको जोड़ के 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो उन दोनों नंबर के बीच का नंबर आ जाएगा, डेफिनेशन कह रही ना, डेफिनेशन क्या कह रही है, हमारे पास दो नंबर होने चाहिए, उन दो नंबर को मैं ऐड करके 2 से डिवाइड करता हूँ तो उसके बीच का नंबर आ जाएगा, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, इनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा, इनको ऐड करके 2 कर दो, इनको ऐड करके 2, किसी भी दो नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो उनके बीच का नंबर आ जाएगा, ओके तो फ्रैक्शन में और डेसिमल में दोनों में बता दिया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसे, जैसे क्वेश्चन कह रहा है 7 and 8 के बीच में दो रैशनल नंबर निकालने हैं, अब 7 और 8 के बीच के निकालना है नंबर, ठीक है देखते हैं कैसे होता है, इसी फॉर्मूले का क्या करना है, सिंपल समझ लो, दो नंबर हैं उसके बीच का नंबर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, पहले उनको ऐड कर लिया उसके बाद 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमें किसके इसके बीच में 7 and 8 के बीच में निकालना है, क्वेश्चन लिख लेते हैं, फाइंड 2 रैशनल नंबर बिटवीन 7 and 8, 7 और 8 के बीच में नंबर निकालना है, तो पहले क्या करते हैं 7 लिख लिया 8 लिख लिया, दो नंबर हो गए तो उसके बीच में कैसे निकालने, पहले इन दोनों को ऐड कर देंगे और फिर क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, पहले इनको ऐड कर लिया 7 + 8/2 कितना आ गया 15/2, एक नंबर इसके बीच का कौन सा आया 7 15/2, 8 ऐसे लिख लिया, एक नंबर इसके बीच का आ गया, हमें कितने दो निकालने हैं, अब दो कैसे निकाल सकते हैं, ये दो नंबर हैं इनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर लो तो आ जाएगा, इनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर लो तो आ जाएगा, चलिए दोनों से कर लेते हैं, पहले ये वाला लेते हैं 7 + 15/2, 14 + 15, 28 आ गया 29/2, एक नंबर कौन सा आया 7 15, ठीक है कैसे लिखेंगे 7 कॉमा, अब जो नंबर आया 7 and 15/2 के बीच का आया ये, ठीक है अभी ये एडिशन हुआ, एडिशन के बाद 2 से डिवाइड भी तो करते हैं, 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे ऐसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा 29/4, ये जो नंबर आया
सेवन और फिफ्टीन के बीच का, तो सेवन से ये नंबर बड़ा होगा और फिफ्टीन अपॉन टू से छोटा होगा, तो इन दोनों के बीच में लिखाएंगे। कितना आया, 29/4 कॉमा 15/2 कॉमा 8। तो सेवन और एट के बीच में दो ये रैशनल नंबर आ गए। क्वेश्चन ये तो क्या है, तो हम भी क्या करने हैं, दो रैशनल नंबर निकालने हैं सेवन एट के बीच में, ठीक है। अगर मैंने नंबर कौन सा लिया लास्ट में, सेवन 15/2, अगर मैं 15/2 और 8 लेता तो देखो क्या कोई दूसरा नंबर आता, वो जो भी नंबर आएगा इन दोनों के बीच में, किसके किसके 15/2 और 8, इसके बीच में जो नंबर आया वो कैसा होगा, 15/2 से बड़ा होगा और 8 से कैसा होगा, छोटा होगा। तो इन दोनों को ऐड करते हैं पहले, 15/2 प्लस 8, 15 प्लस 16, 31/2, इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। कितना आ जाएगा, 31/4, नंबर कौन सा आया हमारे पास, 31/4, ये नंबर इन दोनों के बीच में आया, तो इन दोनों के बीच का नंबर कौन सा आया, 15/2 और 8 के बीच में ये आया 31/4। तो पूरी सीरीज को कैसे लिख देंगे, अगर यहाँ से निकालेंगे, सबसे छोटा नंबर पहले, उसके बाद कौन सा आ गया था, 15/2 आया था, तो हमने जो नंबर निकाला 15/2 और 8 के बीच में, तो फिर ये जो नंबर आया वो आएगा, नंबर कितना है, 31/4, लास्ट में नंबर कौन सा है, 8, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर मैंने निकाला 29/4, ये क्या था, 7/15/2 के बीच में, यहाँ पे जो नंबर निकाला 31/4, ये क्या है, 15/2 और 8 के बीच में। तो क्या है, किसी भी दो नंबर के बीच में हम कितने भी नंबर फाइंड कर सकते हैं, क्वेश्चन में 2 कह रहा, 4 कह दे, 8 कह दे, 10 कह दे, तुम कितने भी नंबर फाइंड कर सकते हैं। तरीका बस क्या होगा, कोई भी दो नंबर ले लिया, दो नंबर ले लिया, उनको ऐड करा और 2 से डिवाइड कर दिया। अभी भी हमें बीच का नंबर निकालना होता है, किसी भी दो नंबर के बीच में बीच का नंबर निकालना होता है, तरीका क्या होता है, उन दोनों नंबर को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो हम उसके करके कितने भी नंबर फाइंड कर सकते हैं। ये हो गया एक जनरल वे फॉर्मूले से, कि दो नंबर हैं उनको ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, उसके बीच का नंबर निकाला। अब एक इसका सेकेंड मैथड भी होता है, ऑल्टरनेटिव मैथड, उससे क्या है, क्वेश्चन में आप आंसर थोड़ा जल्दी निकाल सकते हो, ऑल्टरनेटिव मैथड देखते हो कैसे काम करता है। क्वेश्चन यही है, किसी भी दो नंबर के बीच में हमें रैशनल नंबर निकालने हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि 3 रैशनल नंबर निकालने हैं, क्वेश्चन है फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ये क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह हो गया, उसमें क्या करना है, 3 and 4 दो हमारे पास नंबर है, इसके बीच में तीन रैशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है। तो इसका तरीका क्या, पहले हम क्या करते थे, पहले तो सीखा है, इन दो नंबर को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, फिर एक नया नंबर आएगा, फिर जो नया नंबर आएगा उसको 3 के साथ जोड़ देंगे या 4 के साथ जोड़ देंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ऐसे निकालेंगे। तो सेकंड मैथड इसमें क्या होता है, जितने भी हमें नंबर निकालने होते हैं, कितने कह रहे हैं, 3 रैशनल नंबर निकालने हैं, जितने भी हमें रैशनल नंबर निकालने होते हैं, पहले लिख लो किसके से बीच में निकालना है, 3 का निकालना है और दूसरा नंबर है हमारा 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी नंबर निकालने होते हैं उसमें 1 ऐड करते हैं, इसमें कितने नंबर निकालने हैं, 3 निकालने हैं, यहाँ पे निकाल लो, स्टेप वाइज लिखते हैं। तो स्टेप 1, पहला स्टेप क्या होता है, जितने भी नंबर निकालने हैं उसमें 1 ऐड करेंगे, उसमें कितने नंबर निकालने हैं, 3 नंबर निकालने हैं, तो क्या करेंगे, 3 तो निकालने, उसमें क्या करते हैं, 1 ऐड कर देंगे, 3+1 कितना हो गया, 4 हो गया। फर्स्ट स्टेप क्लियर, जितने भी नंबर फाइंड करने होते हैं उसमें 1 ऐड कर दिया। सेकंड स्टेप में क्या आता है, ये जो नंबर दिए हैं इसको क्या करना होता है, जो 4 आए, आंसर आया 4, उसके डेनोमिनेटर में 4 लगाना पड़ता है। ये जो नंबर दिए हैं इसके जो डेनोमिनेटर, मतलब जो नीचे अपॉन में लिखते हो, उसमें क्या बनाना पड़ता है, 4 है तो 4 बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ये 3 है, 3 के डेनोमिनेटर में, मतलब नीचे, ऊपर एक नंबर आएगा नीचे आएगा, उसमें 4 बनाना है, क्या बनाना है, 4। तो 4 कैसे बन सकता है, इस समय 3 है, 3 को क्या लिख सकते हैं, 3/1 लिख दिया, इसको डेनोमिनेटर में
फोर बनाना है, फोर कैसे बनाएंगे, नीचे फोर का मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, लेकिन जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी तो मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर का, अगर नीचे फोर का मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी फोर का मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, नीचे तो फोर बन गया ऊपर क्या बनेगा, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ओके तो थ्री को हम क्या लिख सकते हैं, ट्वेल्व अपॉन फोर लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे फोर थ्री या ट्वेल्व सेम आएगा, थ्री को क्या लिखिए फोर ट्वेल्व अपॉन फोर, ऐसे ही फोर है, फोर को हम पहले हम क्या लिखेंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में फोर अपॉन वन, फोर अपॉन वन लिख सकते हैं, ठीक है कोई डाउट। अब क्या इसका जो डेनोमिनेटर है अभी क्या है वन है, उसको क्या बनाना है फोर बनाना है, डेनोमिनेटर वन है उसको फोर कैसे बनाएंगे, फोर का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर हम डेनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में तो सेम नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा फोर फोर जा सिक्सटीन अपॉन फोर वन जा फोर, फोर को हमने क्या लिख लिया सिक्सटीन अपॉन फोर, थ्री को क्या लिख लिया ट्वेल्व अपॉन फोर। और इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे फॉर्मेट में कैसे लिख सकता हूँ, हमें तीन रैशनल नंबर निकालने हैं, थ्री और फोर की जगह क्या लिख सकता हूँ ट्वेल्व अपॉन फोर और सिक्सटीन अपॉन फोर के बीच में, तो इसी क्वेश्चन में क्या आ गया, जो हमें थ्री और फोर के बीच में नंबर निकालने थे, थ्री को मैंने क्या लिख दिया ट्वेल्व अपॉन फोर, फोर को क्या लिख दिया सिक्सटीन अपॉन फोर, उसके बीच में कितने तीन नंबर, तीन रैशनल नंबर निकालने हैं। अब कैसे निकालते हैं, अब बहुत सिंपल है तीन रैशनल नंबर निकालना, देखो डेनोमिनेटर में तो फोर है तो जो भी नंबर निकलेंगे रैशनल उसके सम में डेनोमिनेटर में क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा, ठीक है ट्वेल्व और सिक्सटीन, ट्वेल्व सिक्सटीन के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, ट्वेल्व और सिक्सटीन के बीच में कौन से नंबर आए थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, यहाँ पे गेट में कर दो थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, ये कैसे हैं रैशनल नंबर हैं, पी अपॉन क्यू फॉर्मेट में है बिल्कुल है, और किसके इसके बीच के नंबर हैं ट्वेल्व अपॉन फोर और सिक्सटीन अपॉन फोर, ट्वेल्व अपॉन फोर का मतलब क्या हुआ थ्री, सिक्सटीन अपॉन फोर का मतलब क्या हुआ फोर, तो ये जो नंबर तीन आए कैसे नंबर हैं, रैशनल नंबर भी है और थ्री और फोर के बीच में भी है, क्वेश्चन यही तो कह रहा था, क्वेश्चन क्या कह रहा था थ्री रैशनल नंबर फाइंड करने हैं जो थ्री और फोर के बीच में हो, तो ये तीन रैशनल नंबर आ गए जो थ्री और फोर के बीच में हो गए, ओके मैं सेकंड कराता हूँ इसका, एक और क्वेश्चन देता हूँ ऐसी, कोई नहीं जैसे मैं क्वेश्चन अपने मन से देता हूँ कि क्वेश्चन है फाइंड, इस बार कितना कह दूँ फाइव कह दूँ, फाइव रैशनल नंबर बिटवीन कौन से नंबर ले लूँ फोर एंड चलो बता दो सिक्स एंड सेवन ले लेता हूँ, ओके क्वेश्चन क्या है फाइव रैशनल नंबर निकाल ले हैं सिक्स और सेवन के बीच में, पांच नंबर निकाल ले हैं, ठीक है अब देखो कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप, स्टेप वन क्या था पहले क्या करो जितने फाइंड करने होते हैं नंबर उसमें वन ऐड करते हैं, हमें उसमें कितने फाइव फाइव फाइंड करने हैं तो फाइव में वन ऐड कर दिए कितना हो गया सिक्स, क्लियर। स्टेप टू, सेकंड स्टेप में क्या होता है जो भी आंसर आया जो भी आंसर आया उसका क्या करना होता है ये जो नंबर है इसका डेनोमिनेटर में वो नंबर लगाना पड़ता है, मतलब सिक्स है सिक्स को क्या लिख सकते हैं सिक्स अपॉन वन, सेवन को सेवन अपॉन वन, इस समय इसके डेनोमिनेटर में क्या है दोनों के में वन है, हमें इसके डेनोमिनेटर में कितना बनाना है सिक्स बनाना है, ओके सिक्स को क्या लिख लिया सिक्स अपॉन वन और सेवन अपॉन वन, यही है इसके डेनोमिनेटर में सिक्स बनाना है, कैसे बना सकते हैं सिक्स अपॉन वन है मल्टीप्लाई कर दें किसका सिक्स का नीचे मल्टीप्लाई कर दें, और ऊपर भी जब सिक्स का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे वन से तो डेनोमिनेटर में ऑटोमेटिकली सिक्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो कितना आंसर आएगा नीचे क्या आया सिक्स ऊपर कितना आया थर्टी सिक्स, क्लियर। सेकंड सेवन अपॉन वन है, वन है इसके डेनोमीटर में क्या है वन है, इसके डेनोमीटर कितना बनाना है सिक्स बनाना है, सिक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी होगा सिक्स ऊपर कितना आएगा फोर्टी टू, अब क्या हुआ मैंने सिक्स को क्या लिख लिया थर्टी सिक्स अपॉन सिक्स, सेवन को क्या लिख लिया फोर्टी टू अपॉन सिक्स, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, तो जो हमें अब नंबर निकालने थे सिक्स और सेवन के बीच में वो तो किसमें कन्वर्ट हो गए सिक्स को मैंने क्या लिख लिया थर्टी सिक्स अपॉन सिक्स, सेवन को लिख लिया फोर्टी टू,
अपॉन सिक्स, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो यही आ जाएगा, सिक्स सिक्स 36, सिक्स सेवन 42, इसका मतलब वही हुआ, ये सिक्स है ये सेवन है, के बीच में कितने फाइव रैशनल नंबर, पांच नंबर निकाल रहे हैं। उसके बाद क्या था सेकंड सेकंड स्टेप, ये क्लियर हो गया। अब क्या करना है इसमें, थर्ड स्टेप क्या था, कैसे निकालने, जो पांच नंबर होंगे क्या होंगे, इसके बीच के पांच नंबर 1, 2, 3, 4, 5, जो भी अब नंबर आएंगे कैसे आएंगे, उसके बेस में सिक्स होगा, मतलब डेनोमेटर में सिक्स होगा। 36 के आगे क्या आता है, 37 अपॉन में सिक्स रहेगा ही। 37 के आगे क्या आता है, 38 अपॉन में सिक्स रहेगा। 38 के आगे 39 अपॉन सिक्स, 40 अपॉन सिक्स, उसके बाद 41 अपॉन सिक्स, 41 के बाद 42 अपॉन सिक्स, ये लिखा ही है। तो 36 अपॉन सिक्स और 42 अपॉन सिक्स के बीच में पांच नंबर हमें मिल गए, 37 अपॉन सिक्स, 38, ये सारे पांच नंबर मिल गए। ये तो करना था, क्वेश्चन क्या था, पांच रैशनल नंबर निकालने थे, पांच रैशनल नंबर फाइंड करने थे सिक्स और सेवन के बीच में। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 नंबर आ गए। क्वेश्चन समझ आया यहाँ तक, फाइन लोड कर सकते। एक इस मैथड में क्वेश्चन और देता हूँ, एक लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहे हैं फाइंड फाइव रैशनल नंबर बिटवीन वन एंड टू, वन एंड टू के बीच में नंबर निकालने हैं, कितने फाइव। स्टेप वन में क्या था, जितने भी फाइंड करने हैं उसमें क्या वन ऐड करेंगे। स्टेप वन में क्या था, फाइंड करने को फाइव बोला, उसमें वन ऐड कर दो, सिक्स हो गया। अब ये सिक्स का क्या करेंगे, ये जो है वन है, वन अपॉन वन है, टू अपॉन वन है, क्या डेनोमीटर में अभी वन है, उसको कितना बनाना है, सिक्स बनाना है। कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, वन अपॉन वन में किसका, सिक्स और सिक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, टू अपॉन वन में किसका, सिक्स और सिक्स का। जिसका आंसर क्या आ जाएगा, सिक्स वन या सिक्स अपॉन सिक्स वन या सिक्स, यह आ गया, कितना आएगा 12 अपॉन 6। वन को क्या लिख लिया, 6 अपॉन 6, टू को क्या लिख लिया, 12 अपॉन 6, के बीच से पांच नंबर निकाल लिया है, 1, 2, 3, 4, 5, पांच नंबर कैसे आएंगे, 6 के आगे क्या आता है 7, डेनोमिनेटर में 6 रहेगा ही, 7 के आगे 8, डेनोमिनेटर में 6, 8 के आगे 9, डेनोमिनेटर में 6, 9 के आगे 10, डेनोमिनेटर में 6, 10 के आगे 11 अपॉन 6, 11 अपॉन 6 क्या 12 अपॉन 6 तो लिखा ही हुआ है। तो मतलब क्या हुआ, 6 अपॉन 6 और 12 अपॉन 6 के बीच में पांच नंबर आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या हो गया, 1 एंड 2 के बीच में भी यही नंबर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, फाइंड फाइव रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 के बीच में पांच रैशनल नंबर कैसे, ये जो आए इसको कैसे लिखेंगे, पहला नंबर क्या था 1, पहला नंबर आया अपना 7 अपॉन 6, 8 अपॉन 6, 9 अपॉन 6, 10 अपॉन 6, 11 अपॉन 6, लास्ट में 2। देखो 1 एंड 2 के बीच में पांच रैशनल नंबर निकाल लिए, 1, 2, 3, 4, 5, ये तो क्वेश्चन में करना था, फाइव रैशनल नंबर निकालना था 1 एंड 2 के बीच में, जो यहाँ से आ गए। आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको, ये सारे क्या हो गए रैशनल नंबर। इसके आगे आएगा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो अभी बताए थे, ऐसे नंबर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में ही होते हैं, और पी और क्यू दोनों क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, क्यू जीरो नहीं होता, वो सारे कैसे होते हैं इरेशनल नंबर। मैंने स्टार्टिंग में बताया था इरेशनल नंबर में कैसे होते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट 2, रूट 6, रूट 5, माइनस रूट 12, ये सारे कैसे हो रहे हैं, अंडर रूट के फॉर्मेट में हो रहे हैं, तो सारे नंबर कैसे हो गए, इरेशनल नंबर्स हो गए। तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, नेक्स्ट टॉपिक है इरेशनल नंबर का ही है। तो उसमें स्टार्टिंग क्या होगी, जो इरेशनल नंबर होंगे उसको किसमें, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने का। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ये टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। अभी क्लास के लिए इतना ही।
आई होप कि आपको क्लास में बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर समझ आया होगा। जो भी किसी को डाउट हो तो नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, और इसी पे पीडीएफ भी अपलोड कर देंगे इसके होमवर्क की, जो आप क्वेश्चन करना होगा आपको क्वेश्चन करके आप व्हाट्सएप नंबर पे चेक करने के लिए सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अपना ये आएगा, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करना। आज के लिए इतना ही। ओके, बेस्ट ऑफ लक।